सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जो लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ विशेषकर उन लोगों का धन्यवाद जो कमेंट बॉक्स में तरह तरह कमेंट दे रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं। इसी सजेशन कड़ी में तनय प्रताप, जो बैंगलोर के आर्टिफिशिया कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने सलाह दी कि प्रोकेस्टिनेशन पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि प्रोकेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जो छोटे से लेकर बड़े तक सभी को लग जाती है और कभी न कभी उनका नुकसान करती है। ये बीमारी खासकर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बीमारी से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भविष्य में। जैसे मैंने ये सजेशन सुना, मैंने इस संदर्भ में रिसर्च की और इसकी 3 बेस्ट सेलर किताबें जो मुझे लगी मैंने खोजकर पढ़ी, जिसमें नील फियोरी की द नाउ हैबिट, ब्रेंट ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग और जॉन पेरे की डोंट बाय दिस बुक नाउ है। अगर आपको ये किताब पढ़ने का शौक है तो मैं ब्रेंट ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग को हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप इसे जरूर पढ़ें। लेकिन अगर आपको सही प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है तो मुझे विश्वास है कि आप इस किताब को इतनी जल्दी न खरीदने वाले हैं न पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए इन तीनों किताबों को और मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है इन सबको मिलाकर एक ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है। आपसे आग्रह है और निवेदन है कि यदि आप सही में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, इस आदत से बचना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। तो एक सेंटेंस में अगर बताया जाए तो प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी काम को, किसी भी जरूरी काम को उसके डेडलाइन तक टालने की आदत है, जितना हो सके उतना टालने की आदत है। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जितना मैंने रिसर्च किया है, इसके 4 मुख्य कारण हैं। तो मैं कारण और निवारण एक साथ बोलता जाऊंगा। पहला कारण उसका निवारण, दूसरा कारण उसका निवारण, तीसरा कारण उसका निवारण, चौथा कारण उसका निवारण, यानी कॉज रिमेडीज एक साथ चलेंगे। तो सबसे पहला कॉज, जो कि सबसे मेन कॉज है, जो कि अधिकतर लोग जिस कारण से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं किसी भी चीज़ों को, वो है नॉट ए क्लियर पनिशमेंट रिवार्ड इन प्रेजेंट टाइम। अर्थात जब किसी चीज़ का आपको क्लियर पनिशमेंट रिवार्ड प्रेजेंट में नहीं दिखाई देता है, हम उन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत, एक्सरसाइज नहीं करने से अभी तुरंत से कोई लाभ या तुरंत से कोई हानि नहीं दिखाई देता, इसलिए हम उसको इजीली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। या एग्जाम अगर दूर है तो समय पढ़ने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाना, आप आराम से उठते हैं, 4 बजे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तुरंत लाभ या तुरंत हानि नहीं हो रही है। अब इससे उल्टा, अगर हम इसके रिमेडी चाहते तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर अगर लाभ हो तो क्या करते हैं हम? अगर 3 बजे भी अलार्म कोई स्टूडेंट लगाए और उसको मालूम है कि अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाना है, तो उसकी नींद अपने आप टूट जाती है। या फिर 3 बजे का अलार्म कोई स्टूडेंट लगाए और उसे सुबह सुबह फ़ोन आए कहीं से और पता चले कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उसका नींद पूरा उड़ जाएगा और वो तुरंत उस समय उड़ जाएगा। अर्थात इमरजेंसी के लिए हमारे सबके अंदर एक ताकत रहती है। अब इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें अपने लिए छोटे रिवार्ड और छोटे पनिशमेंट खुद तय करने होंगे, छोटे रिवार्ड छोटे पनिशमेंट। जैसे जब भी कोई ऐसी आदत जो हम नया अप्लाई करना चाहते हैं, उसको इस तरह अप्लाई करें कि जैसे आपको केक खाने की इच्छा होती है या आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, तो मैं ये एक्टिविटी, ये टास्क मैं करूँगा तभी अब केक या आइसक्रीम खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। इस तरह आप उसको जो है रिलेट कर सकते हैं। या आपको टीवी में कोई सीरियल देखना है तो आप ये कह सकते हैं कि ये टास्क अगर मैं करूँगा तो ये टीवी देखूँगा या फिर नहीं देखूँगा। इसके साथ साथ अभी पूरी दुनिया में जो किताबें जो छप रही हैं उसमें कुछ नया जो है मेथड आ रहा है, मैंने भी अप्लाई करके देखा है, 2 मिनट मेथड। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इनर्सिया पे काम करता है, जैसे लॉ ऑफ इनर्सिया जैसा काम करता है। जैसे ब्रेन को अगर कहा जाए कि कोई एक काम शेड्यूल में करने के लिए, तो शुरू शुरू में वो करना नहीं चाहता, लेकिन जब वो शेड्यूल में आ जाता है तो फिर उसी तरह रहना चाहता है, उसको ब्रेक नहीं करता है। तो नया चीज़ लाने के लिए लॉ ऑफ इनर्सिया भी काम करता है, तो उसके लिए 2 मिनट मेथड। जैसे आपको अगर नया रूटीन बनाया है, आपको उसको फॉलो करना शुरू करना है और किसी भी कारण से आपको रुकावट आती है या मन किसी भी तरह कोई तर्क देता है, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 मिनट, तो 2 मिनट बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जैसे आपको टीवी में सीरियल देखना है, मैच देखना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, अरे सिर्फ 2 मिनट में करके जाऊंगा। और ऐसा देखा गया कि जैसे हम 2 मिनट वहां बैठते हैं तो हमारा मन फिर उस चीज़ में लगने लगता है, क्योंकि एनर्जी वहां फिर काम करने लगता है। और अगर नहीं भी करता तो आपने 2 मिनट जो है अपने काम को कर लिया, तो आपको 2-2 मिनट करके फिर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ाने की आदत भी लग जाएगी। दूसरा, फियर ऑफ फेल्योर का अर्थ क्या है? इसमें 2 तरह के लोग हैं। पहला, फेलवर से डरते हैं लोगों के कारण कि अगर मैं कोई नया चीज़ इनिशिएटिव लूँगा, अगर उसमें असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो इनका है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। और दूसरे तरह के लोग हैं जो एक्सेस परफेक्शनिज्म चाहते हैं, परफेक्शनिज्म मतलब कि एक्सेस चाहते हैं कि हम कितना परफेक्ट हो जाए। वो ऐसे लोग हैं जो किसी कोच के पास जाते हैं तो बोलते हैं आप ओलंपिक मेडल का मुझसे वादा करो तो मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा। और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हैं जो ऐसा कहते हैं कि जब तक अच्छे से तैरने नहीं सीख जाएंगे घुटने से ज़्यादा पानी में नहीं जाएंगे। तो इस तरह के लोगों के लिए
ये तो है कॉज जिसके कारण वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या माइंड उनका उनको लॉजिक देता है इस तरह प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। अब उनके लिए क्या रिमेडीज है? तो उनके लिए रिमेडीज, मैं जावेद अख्तर जी की दो पंक्तियां उनको कहना चाहूंगा कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। आप अच्छे काम में अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको तजुर्बा जरूर होता है। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि अच्छे काम में असफल होने से भी कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त होता है, और बुरे काम में सफल होने से भी कुछ ना कुछ बुरा ही अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे काम में प्रयास शुरू कर दे। और दो पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद है, मैं यहाँ उसको भी शेयर करना चाहूंगा कि मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप घर से निकलिए, फियर छोड़ दीजिए। और यहाँ पर एक चीज और जो कि अधिकतर साइकेटिस्ट कहते हैं कि जब आप एक्सट्रीम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे आप किसी भी चीज को स्टार्ट करें उसका एक्सट्रीम क्या होगा, आप फेल होंगे, लोग हंसेंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जब इस एक्सट्रीम को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए फिर कोई बैरियर नहीं होता है, तो आप उस सारे बैरियर को तोड़ देते हैं। तो एक्सट्रीम को एक्सेप्ट कर लेना है, फियर ऑफ फेलियर से आगे निकलना है। तीसरा है लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल दो स्तर पर है, फिजिकल मेंटल स्तर पर। ये दोनों इंटररिलेटेड है क्योंकि वी आर साइकोफिजिकल एंटिटी, हमारा शरीर और मन आपस में जुड़ा हुआ है। तो शरीर के स्तर पर तीन चीजें हैं जो कि मैं बच्चों से या हर जगह कहता हूं, तीन चीजें हैं जो मुख्य हैं, जिनको कि हम आराम से पालन कर सकते हैं। पहला, सम्यक आहार, सम्यक आहार बैलेंस डाइट। जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि हमारे खाने में अधिकतर तरह के न्यूट्रिएंट्स रहे और हम उनको चबा चबा कर खाएं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें बताया गया था, एक न्यूट्रिशनिस्ट ने एक जो है बताया कि जब हम चबा चबा कर खाने शुरू करते हैं तो ब्रेन जो है ऑर्डर देता है तरह तरह के एंजाइम छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको एक मैसेज मिलता है कि हाँ खाना चबाया जा रहा है, खाया जा रहा है, वो शरीर के लिए फायदेमंद होना चाहिए। तो हमारा ध्यान खाने की ओर, खाते समय तो बैलेंस डाइट, इस पर ध्यान दे। इस पर हो सकता है मैं आगे भी कोई वीडियो बनाऊं तो और विस्तार से इस पर बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप इतना नोट करें कि जब भी खाना खाएं खाने पर ध्यान दें, चबा चबा कर खाएं। दूसरा होता है बैलेंस्ड रेस्ट। एक बच्चा मुझसे कल ही पूछ रहा था कि सर मुझे सोता तो हूँ 10 बजे की 10 बजे सो जाऊंगा और 4 बजे का अलार्म लगाया, तो लेकिन 10 बजे सोने शुरू करता हूँ लेकिन 11 बजे तक तो नींद ही नहीं आती रहती है, तो इसको कैसे एडजस्ट किया जाए? तो एक ऐसा चीज़ है जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ और आप करके देखेंगे तो 100% लाभ होने वाला है। जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, अगर आपने रूटीन बनाया है और सोने के लिए जाते हैं, तो बेड पर सीधा लेट जाए, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दे और मन ही मन धीमी लंबी गहरी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, धीमी लंबी गहरी सांस लेने शुरू करें। ये धीमी लंबी गहरी सांस के साथ साथ हर एक सांस के साथ आप महसूस करें कि हम जब लंबी सांस ले रहे हैं तो शरीर और ढीला हो रहा है, और इसको काउंट करें, पहली लंबी गहरी सांस अंदर गई, बाहर आई एक, फिर गई आई दो, इस तरह 100 का एक टारगेट बना लें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर 100 तक गिनती आप पूरी कर लेते हैं, इसका मतलब आपके शरीर को अभी नींद की जरूरत नहीं है, आप उठ जाइए। मैं एक दो बार करके देख चुका हूँ, आप फ्रेश उठिएगा और आपकी 3-4 घंटे की नींद पूरी हो चुकी होगी अगर आप रियल में पूरे रिलैक्स्ड होकर 100 लंबी गहरी सांस गिन पाते तो। लेकिन 99% मौके पर, जो कि मेरे साथ होता है और मैंने जिनको जिनको बताया उनके साथ भी हुआ है, 99% मौके पर 30-40 सांस तक नींद आ जाती है। और ये अगर नींद आप डेप्थ स्लीप में चल गए डीप ब्रीदिंग के साथ, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तीसरा चीज़, पहला सम्यक आहार, सम्यक विश्राम, और तीसरा है एक्सरसाइज, यानी कि सम्यक व्यायाम। आपके शरीर को आधा से एक घंटा रोज का व्यायाम चाहिए, तो आप जो है रोज जो है व्यायाम करें, आधा से एक घंटा एरोबिक एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप बाकी के 23 घंटे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज महसूस करेंगे, तो इसको जो है पालन करें। तो ये चीज़ हुआ कि लो एनर्जी लेवल को जब हम हाई करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छूटती है, क्योंकि अगर लो एनर्जी लेवल है तो आप अपने आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, नहीं चाहते हुए चीज़ों को, लो एनर्जी लेवल का हम निराशावादी हो जाते हैं, छोड़ने लगते हैं। दूसरा मेंटल लेवल, मेंटल लेवल पे मैंने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब के लिए एक पिछली वीडियो बताया है, फिर छोटे में बता देता हूँ कि हमेशा स्वीकार करें, वर्तमान जीने की कोशिश करें और स्वीकार करें कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें मेरा जो रोल है वो मुझे अपनी ओर से अदा करना है पॉजिटिव, बाकी क्या होगा वो हमारे बस में नहीं है। इसके बारे में आप जानते हैं, बहुत जगह बोला गया है कि गीता में भी कहा गया कि कर्म हमारे बस पे है उसका फल नहीं, तो कर्म की चिंता करें और स्ट्रेस फ्री होकर जीवन जिए। आगे तीसरी जो है फियर ऑफ फेलियर के साथ साथ, तीसरा जो है लो एनर्जी लेवल, और चौथे पे जो आखिरी है वो है माइंड वांट्स टू लिव इन कम्फर्ट जोन। माइंड wants टू लीव इन इट्स कम्फर्ट जोन, यानी मन हमेशा अपने कम्फर्ट जोन में रहना चाहता है, और जब भी हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ नई आदत, कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं, ये उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता है, रोकना चाहता है।
और कुछ बच्चे जो मुझसे मिलते हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, जो ऐसा कहते हैं कि हम तो मन के मालिक हैं, मन के राजा हैं, मन के अनुसार जीते हैं, खुल के जीते हैं। ये मन के अनुसार जीना, खुल के जीना, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर आप पूरी बात मन की मान रहे हैं तो आप मन के राजा नहीं हैं, मन के गुलाम हैं। तो जो लोग मन के गुलाम हैं उनको मन का राजा बनना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि धीरे धीरे मन को ट्रेन करें चेंज होने के लिए। तो धीरे धीरे मन को ट्रेन करना है, हमें कैसे करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों में अपने विल पावर को बढ़ाना है और चेंज करना है। जैसे मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, अगर आप मन से सोचते हैं कि मुझे ब्रश भी करना है तो 20 बार इधर और 20 बार इधर दांत पर रगड़ना है, और आप ये सोच के करेंगे तो आपका विल पावर बढ़ेगा और आप मन के गुलाम से मन के राजा की ओर बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ें स्मॉल से शुरू करें। इसके दो मेथड जो है जो हर जगह मिलते हैं, पहला स्टार्ट स्मॉल, छोटी चीज़ों से ये स्टार्ट करें, और दूसरा डटे रहें। जब आप स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा फेल होंगे, फेलियर से डरे नहीं, क्योंकि जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। तो फेलियर से डरे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें और डटे रहें। इस तरह जो है आप इस चीज़ को, इन चारों को अपना कर आप धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा जब आपको चेंज होना है तो थोड़ा क्रेजीनेस चाहिए, थोड़ा सा अंदर में मन स्थिति को बदलना होगा। दो पंक्तियाँ जो मैंने सुनी है कि ताउम्र में लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को गालिब, ताउम्र लगा रहा मैं परिस्थितियाँ बदलने को गालिब, जिस दिन मन स्थिति बदली परिस्थिति अपने आप बदल गई। और अंत में जो क्रेजीनेस आपको चाहिए उसके लिए दो पंक्तियों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर क्रेजी, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर क्रेजी, एंड नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो इस लेजीनेस को हटाए, अपने आप को चेंज करें। सभी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेरी शुभकामनाएं आप लोग सभी के साथ है, अपने जीवन को बदले। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और इस गुडनेस को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।